नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 4 जून को जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, चारों कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम, सभी व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद। पांच पशु तस्करों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 गौवंश, 1 बिना नंबर प्लेट की पिकअप गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 150 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर धौस जमाने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर, 24 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। उरुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मरचा में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, चौपाल में अधिकतर मामले भूमि विवाद व विकास से आए, संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। जून को डॉक्टर को असलाह सटाकर लूट करने वाले फरार चल रहे तीसरे अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 2,270 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। नगर निगम के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्यों को शुरू करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व सैनिक बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। चार जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद में दौरे को लेकर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नौकायन का किया निरीक्षण। कहा, शाम के समय में राष्ट्रपति नौकायन पर देखेंगे साउंड एंड लाइट शो, सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है कड़ा इंतजाम। और यूपीएससी परीक्षा में 54वां रैंक लाने वाले सहजनवा के अर्पित गुप्ता ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से की मुलाकात। जिलाधिकारी ने मिठाई खिलाकर अर्पित गुप्ता व लेखपाल केदारनाथ शुक्ला को दी बधाई व शुभकामना, दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि माननीय राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, जिसको देखते हुए चारों कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों व अन्य सुरक्षा एजेंसियों की ड्यूटी लगाया गया है। इसके अलावा अभी तक जो कार्य पूरा नहीं हुए हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रयास है कि 4 जून से पहले सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। सभी कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है, जिसके लिए सभी अधिकारी भ्रमणशील रहकर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, माननीय राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जनपद में उत्सव के माहौल में राष्ट्रपति व उनके परिवार का स्वागत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए सभी चारों स्थलों पर रूट्स पर अवस्थापना संतृप्त करने के लिए सुरक्षा के दृष्टि के जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो शहर को शहर में जो भी अवस्थापना में कमी है, उस गैप्स को क्लोज कराने के लिए ज़रूरत है, वो कराया जा रहा है। सभी कार्यक्रम स्थलों पर आयोजन की संबंधित व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भ्रमणशील हैं, अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित किया गया है। जो माननीय राष्ट्रपति जी के प्रोटोकॉल निर्धारित है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और एक पूरे जनपद में उत्सव के माहौल से माननीय राष्ट्रपति जी और उनके परिवार का स्वागत किया जाएगा। सभी कार्यक्रम को भव्यता के साथ शासन की मंशानुरूप पूर्ण किया जाएगा। तिवारीपुर व एसओजी की संयुक्त टीम ने 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को डोमिनगढ़ रेलवे लाइन के किनारे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विशाल निषाद पुत्र रामाकांत निषाद निवासी हरसेवकपुर टोला दहला थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा जुल्फकार आलम पुत्र
सुकुल्ला निवासी करबला टोला लक्ष्मीपुर थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर। तीसरा आमिर अली पुत्र तसव्वर अली निवासी सिमरा हरदोहा थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर। चौथा कमलेश यादव पुत्र संत कुमार यादव निवासी हरसेवकपुर नंबर दो टोला दहला थाना बुलहरिया जनपद गोरखपुर। पांचवा साहिल पुत्र रज्जब निवासी पिपरा मुस्तकिन अग्रवा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। जिनके पास से 5 गौवंश, 1 पिकअप बिना नंबर प्लेट की, 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा खोखा कारतूस, 150 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसपीसीटी ने बताया कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक भूपेंद्र तिवारी, उपनिरीक्षक मोहम्मद शाहिद सिद्दकी, सदानंद सिन्हा, कांस्टेबल योगेश यादव, दीपक यादव, सौरभ निषाद, विकास यादव, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल राय, इंद्रेश कुमार वर्मा, कांस्टेबल रणधीर कुमार सिंह, अरुण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, पीछे जनपद गोरखपुर में पशु तस्करों के खिलाफ पिछले हफ्ते भर से एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पशु तस्करों की कमर तोड़ने के लिए एसओजी कैंट पुलिस एवं जनपद नगर की पुलिस लगी हुई थी। कल रात को सूचना मिली कि पशु तस्कर शहर में घुसे हैं, एवं तो इस बात की सूचना मिलने पर हम चारों तरफ घेराबंदी की। इसमें पुलिस पर जब घेराबंदी हुई तो पुलिस पर फायर किया गया, जवाबी फायरिंग भी की गई, ईंटा पत्थर से भी अटैक किया गया। एक पिकअप गाड़ी है, उसके पशु तस्कर भाग रहे थे तो उनको फिर बैरिकेडिंग करके एक अच्छे नए नायाब तरीके से उनको गाड़ी को रोका गया, एवं उसमें से 5 अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें उनके नाम कमलेश उर्फ कल्लू यादव, विशाल निषाद, मोनू जुल्फिकार एंड साहिल पुत्र रजब। तो ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एवं ये गोरखपुर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि पशु तस्करों की कमर तोड़ने में कामयाब रहे हैं। एवं इस अब ऑपरेशन में शामिल रहे एसओजी की टीम एवं कैंट पुलिस और थाना तिवारीपुर पुलिस को 25,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर की तरफ से नवाजा गया है। ये पशु तस्कर हफ्ते में 2 से 3 बार ये वारदात कर जाते हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये कुशीनगर से आते हैं गोरखपुर जनपद में, एवं यहाँ से पशु तस्करी करने के बाद ये लोग यहाँ से सीधे बिहार जाते हैं। बिहार में माधोपुर नाम की जगह है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर पशु मंडी लगती है, और वहाँ से फिर पशु जो है वो बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है
जिस रैकेट के अंदर गोरखपुर पुलिस को उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार किसी प्रकार की घटना ना हो पाए इसके लिए प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें एक पिकअप, जिस पिकअप का प्रयोग ये लोग करते हैं उसके आगे और पीछे बहुत मजबूत बम्पर लगाए हैं इन्होंने, एक अदद तमंचा और इनके पास से इनके फोन बरामद हुए हैं। कैंट पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अंश सिंह पुत्र राम बाबू सिंह निवासी ग्राम कुलवरिया भैया थाना भलुअनी जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अदद लाइसेंसी रिवॉल्वर 24 जिंदा कारतूस एक टैबलेट बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि 31 मई को समय करीब 11 बजे सिटी मॉल के बगल में 10 पार्क स्ट्रीट होटल के नजदीक रात में नशे में धुत होकर वादी मुकदमा सुमित कुमार श्रीवास्तव पुत्र अनिरुद्ध श्रीवास्तव निवासी ग्राम मोहरीपुर थाना चिलुआ ताल जनपद गोरखपुर से मामूली सी बात पर गुस्सा करके अपने लाइसेंसी असलहे को निकालकर जमीन पर 5 फायर किया और धौंस जमाने का प्रयास किया गया। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके रोडवेज बस स्टैंड के पास से अंश सिंह पुत्र राम बाबू सिंह निवासी ग्राम कुलवरिया भया थाना भलुअनी जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर व 24 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। नशे में धुत होने के कारण इनका तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया और इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। पूछताछ पर इसने बताया कि मैं आर्मी में चालक के पद पर 5 साल नौकरी किया हूं, लेकिन मेडिकल अनफिट होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी संजय कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव, अजीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ये शहर में भी कहीं रहते हैं क्या सर? नहीं, देवरिया में रहता है। उसको प्रेस नोट के लिए बोल दो यार, तिवारी पुल वाले बोल दिए हैं। मैं उसको स्क्रू बना लेते हैं, मैं प्रेस नोट लेके आया। हां बना लो, हां बना लो, बना वो बात जो आगे का जो रेल का वो होता है ना, इंजन उतना मजबूत जवाब ना हुआ है, तो हम देख भी लेंगे। सर कैंट में पीसी हुआ तो वहाँ बताया कि, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हमारे ऊपर हमला करके जनपद गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी महोदय के निर्देशन में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल रात को सूचना मिली कि एक फौजी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 राउंड फायर किए हैं 10 पार्क स्ट्रीट होटल जटेकपुर चौकी क्षेत्र में। सूचना मिलने पर शहर क्षेत्र के सभी थानों को फटाफट कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके अंदर एक व्यक्ति अंश सिंह, ये निवासी है भलूनी देवरिया का, इसको गिरफ्तार किया गया। बाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर 24 अदद कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसने ये शराब के नशे में धुत था, इसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, जिसके माध्यम से बाद में पता चला कि ये शराब के नशे में धुत था एवं इसकी आपस में वहाँ 10 पार्क स्ट्रीट होटल के बाहर कहासुनी हुई थी, उसके बाद में इसने गुस्से में आके फायर किया था।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने उर्वा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मरछा में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि ग्राम पंचायत मरछा में चौपाल लगाया गया है, जो कि निरंतर किसी न किसी गांव में लगाया जा रहा है, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी उप जिलाधिकारी गाँव में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है। शासन के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतर जमीन संबंधी विकास संबंधी मामले संज्ञान में आए थे, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। 3 महीने बाद दोबारा उसी गांव में चौपाल लगाया जाएगा, गांव के विकास कार्यों का जांच किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज गांव मरछा में जैसे हम लोग निरंतर हमारा सिलसिला चल रहा है, जहां पे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, अपर जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण व उप जिलाधिकारीगण, मेरे द्वारा सभी द्वारा निरंतर प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाते हुए निरंतर चौपालें लगाई जा रही हैं। उनकी सभी विभागों की वहाँ प्रस्तुतिकरण होता है, अवस्थापनाओं के संतृप्तिकरण, जन कल्याणकारी योजनाओं में आच्छादन संतृप्तिकरण की ओर लेके जाने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, पारदर्शितापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहाँ जमीन संबंधित मामले, वहाँ विकास के योजनाओं के संबंधित मामले प्रकरण संज्ञान में आए थे, जिसको त्वरित गति से निस्तारण करने निर्देशित किया गया है। 3 महीने बाद दोबारा वहाँ उसी गांव में चौपाल लगाया जाएगा सक्षम अधिकारी द्वारा, और देखा जाएगा कि जो ग्राम पंचायत में धनराशि हस्तांतरित की गई है उसके कार्य गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से किए गए कि नहीं। कैंट पुलिस ने डॉक्टर को असलाह से टाका लूट करने वाले तीसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को आरसी रेजिडेंसी आजाद चौक से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कन्हैया मद्देशिया उर्फ स्वराज मद्देशिया पुत्र स्वर्गीय राम किशोर उर्फ गोजाई मद्देशिया निवासी सहारा बैंक के नीचे सुभाष नगर टाउन एरिया थाना सोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का 2,270 रुपए बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 6 जून 2021 को बुलेट से मैं सागर गौड़ व अशोक शर्मा गोरखपुर आए थे, फिर लाइफ पैथोलॉजी के पास जाकर लूट का प्रयास किए थे, परंतु सफलता नहीं मिली। दोबारा दिनांक 7 जून 2021 को इसी काम से आए, परंतु काम ना होने के कारण शोहरतगढ़ वापस चले गए। दिनांक 10 जून 2021 को हम लोगों के साथ दीपू मोदनवाल व अमन अग्रहरी भी साथ आए थे, परंतु काम नहीं हो पाया। दिनांक 12 जून 2021 को हम लोग मिलकर लाइफ पैथोलॉजी के पास गए। अनुप व अशोक शर्मा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर बैठ कर सागर गौड़ का इंतजार कर रहे थे। सागर गौड़ ने बताया कि लाइफ पैथोलॉजी से जब डॉक्टर साहब हाथ में थैला लेकर निकले तो वह पेड़ के पास पीछे से दौड़कर असलाह सटाकर उनके हाथ से लिए झोले को छीन लिया तथा दौड़कर मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गया। वहां से हम लोग कैंट चौराहा होते हुए रुस्तमपुर देवरिया रोड की तरफ भाग गए। अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद से अपने पकड़े जाने के डर से मैं तभी से घर से फरार था, लेकिन आप लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त 1 साल से वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक विशाल कुमार शुक्ला, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, रंजीत सिंह, कांस्टेबल दीपक शिवानंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ये वो क्या कहते हैं मारू में चार जूते उसे इंस्पेक्टर को गोरखपुर जनपद में अपराधी एवं अपराधियों के क्राइम को कंट्रोल के लेके एसएसपी महोदय के निर्देशन में आज एक 25,000 लूट के इनामी कन्हैया मदेशिया को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कन्हैया मदेशिया उस लूट का लूट में सम्मिलित था, 4.5 लाख की लूट लाइफ पैथोलॉजी
ये जून कोविड के टाइम जून 2021 में हुई थी। इन्होंने 3 बार लूट का प्रयास 6 तारीख 6 जून 7 जून 10 जून को लूट के प्रयास किए लेकिन असफल रहे। लेकिन 11 जून को इन्होंने 4.5 लाख रुपए की लूट की एवं उसके बाद से इसके बाकी साथी गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन कन्हैया मदेशिया वांछित था, 25,000 का इनामी है और कैंट पुलिस ने आज सफलता प्राप्त की है। इसके लिए कैंट पुलिस बहुत बहुत बधाई की पात्र है। कन्हैया मदेशिया का इस प्रकार का कोई पीछे का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 4 जून को जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा चारों कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम, सभी व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद। पांच पशु तस्करों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 गौवंश, 1 बिना नंबर प्लेट की पिकअप गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 150 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर धौस जमाने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर, 24 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। उरवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मरचा में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा चौपाल में अधिकतर मामले भूमि विवाद व विकास से आए, संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। जून को डॉक्टर को असलाह सटाकर लूट करने वाले फरार चल रहे तीसरे अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 2,270 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। नगर निगम के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्यों को शुरू करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व सैनिक बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चार जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद में दौरे को लेकर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नौकायन का किया निरीक्षण। कहा शाम के समय में राष्ट्रपति नौकायन पर देखेंगे साउंड एंड लाइट शो, सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है कड़ा इंतजाम। और यूपीएससी परीक्षा में 54वां रैंक लाने वाले सहजनवा के अर्पित गुप्ता ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से की मुलाकात। जिलाधिकारी ने मिठाई खिलाकर अर्पित गुप्ता व लेखपाल केदारनाथ शुक्ला को दी बधाई व शुभकामना, दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर चर्चा करते हुए कहा कि नगर निगम जल्द से जल्द डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य शुरू कर दे, जिससे शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। उन्होंने कहा, गोरखपुर एक VIP शहर है, यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री व अधिकारी आ जा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द टेंडर करके डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य शुरू किया जाए। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अभी अपन नगर आयुक्त देख रहे हैं इसको, अभी कौन देख रहा है? नगर आयुक्त साहब भी देख रहे हैं सर, अभी उनका ट्रांसफर हो गया। दुर्गेश ने ज्वाइन कर लिया है, दुर्गेश देखेगा अभी इसको। हाँ, क्या हुआ? तुम लोग कैसे शुरू करोगे यार? तुम लोग के काम वही, अभी से स्पीड स्वीपिंग भी कराओगे, उसी से डोर टू डोर कलेक्शन भी कराओगे? जानकारी नहीं। किसको जानकारी हो? हाँ, नहीं अभी टेंडर नहीं, टेंडर नहीं हुआ अपलोड। डोर टू डोर कलेक्शन में निम्न कदम उठाने हैं। सबसे पहले जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पूर्व सैनिक बंधुओं के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि शासन का निर्देश है कि पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों को राशन कोटे का आवंटन किया जाए, जिस पर जिलाधिकारी ने सहमति जताते हुए कहा कि सप्लाई ब्लॉक को तुरंत निर्देशित किया जाता है कि वह कोटे का आवंटन पूर्व सैनिकों व उनके परिवार को करे। वहीं कुछ पूर्व सैनिकों ने कहा कि शस्त्र का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने तुरंत शस्त्र बाबू को बुलाकर लाइसेंस रिन्यूअल करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सामने पार्किंग है, वहाँ पे जैसे हम लोग दिल्ली लखनऊ जाते हैं तब भी तो उसको फॉलो करते हैं। कुछ विशेष, मैं तो पहले जोर दिया कि आप लोग चालाक के रहने के लिए सब अवेयरनेस फैला रहे हैं, ताकि लोगों को कम से कम नहीं हो पाई। हालांकि हम लोगों ने एक ESM रैली जरूर की अपनी, और जिसमें हम लोग सभी मिले थे, तो ESM रैली में प्रशासन की तरफ से हम अच्छी तरीके से जिलाधिकारी महोदय का अभिनंदन प्रकट करें साथियों के साथ। सस्ते सरकारी राशन की दुकान का आवंटन, इसमें पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को वरीयता देने की कृपा करें। तो इसमें सर पता होती है लोगों को कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे अप्लाई करें, इस वजह से क्या होता है बहुत सारे सप्लाई डिपार्टमेंट को आदेशित कर दीजिएगा कि शासनादेश का पालन किया जाए। शासनादेश में खुली बैठक में पास होने का होता है, और अगर ग्राम पंचायत चाहे कि वरीयता देनी है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को पारित कर देगा प्रस्ताव, तो हो जाएगा। इसमें 5% रिजर्वेशन का? हाँ, नहीं, रिजर्वेशन का है, लेकिन ग्राम सभा का प्रस्ताव होता है, तो आप उसको मेरी तरफ से लेटर कर दीजिए, शासनादेश का पालन हो। आगे से जो भी रिक्तियाँ निकलती हैं, अभी तो रिक्तियाँ नहीं है, जब भी निकलती है किसी कारण से, तो उस कारण उस कृत्यों को बढ़ते वक्त जो प्रस्ताव पारित होता है, उस आरक्षण का पालन किया बता दीजिए क्या जाएगा। और उसके बाद एक पूरा प्लान बनेगा, जिसमें कि मूर्ति का स्थापना का जो कार्य है काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, हमारे तो सैनिकों का जो कि ऑनलाइन अभी हो नहीं पा रहा है। मैंने खुद ही कितने लोगों का ऑनलाइन नहीं सर पुराने नहीं, हमारी जितने भी शस्त्र डालक हैं NDM सॉफ्टवेयर में फीडिंग का काम चल रहा था पिछले 6 महीने, 5000 उसमें मिसिंग मिल रहे हैं। अगर किसी का नहीं, हमने विज्ञप्ति जारी की थी कि कृपया आ जाइए, अपना दिखाइए, ताकि हम फीडिंग करा लें। आप ही को फीडिंग कराना है उसको, तो एक बार सिटी मजिस्ट्रेट साथ मिल लीजिएगा। हम लोग 10-15 लड़के रख के फीडिंग करवाए हैं, 15000 लाइसेंस उसका ऑनलाइन। अगर किसी सैनिक परिवार का छूट गया है तो आप बता दीजिए, हम करा लेंगे। सैनिकों के परिवार का छूट गया है बता रहे फीडिंग में, आप ये आएंगे सब इनसे मिलने के लिए सिटी में, तो आप ट्राई करिए व्यवस्था, ठीक है? जम्मू कश्मीर की और मैंने यहाँ पिछली पैसा जमा कर दिया था स्टेट बैंक में, मैंने जो कि बंद करा दी गई है। अनुरोध है कि उनको फिर से शुरू
स्टार्ट कराया जाए, जहाँ बल्कि मेडिकल कॉलेज में जितने भी एक्सर्विसमैन हैं उनके बच्चों को वार्ड बॉय नर्स की नियुक्ति के लिए। तो आउटसोर्सिंग से हो रहा है ना, अभी आउटसोर्सिंग से हो रहा है, तो आउटसोर्सिंग में कोई वरीयता नहीं होती, वो तो आप कंपनी को हायर करते हैं, कंपनी सेवा एजेंट पोर्टल से। अगर ये भी फिर अब ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही हो रहा है तो इसमें शासन द्वारा कोई वो नहीं हो पाएगा। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए नौकायन का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 4 व 5 जून को राष्ट्रपति का जनपद में दौरा है, जिसको देखते हुए नौकायन पर साउंड एंड लाइट शो रखा गया है जिसकी तैयारी चल रही है। यहाँ राष्ट्रपति आकर लगभग 20 मिनट तक साउंड एंड लाइट शो का आनंद लेंगे। इस साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से गोरखपुर के इतिहास, गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के साथ सीसीटीवी लगाई जा रही है, जो कि लगातार अराजक तत्वों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, राष्ट्रपति जी के गोरखपुर आने के बाद में यहाँ पे संध्या के समय लाइट एंड साउंड शो रखा गया है, और उस लाइट एंड साउंड शो को आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे पूर्णतः इसकी सारी तैयारियाँ चल रही है, इसमें राष्ट्रपति जी यहाँ आएंगे और 30 मिनट के आसपास लाइट एंड साउंड शो को आनंद लेंगे। इसमें गोरखपुर के इतिहास और गोरखनाथ की जो तपोभूमि है इसके बारे में जो लाइट एंड साउंड शो है उसको सब एंजॉय किया जाएगा, और बाकी इसकी सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। बाकी चाक चौबंद सुरक्षा, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे तो सब लगाए जा रहे हैं, और अच्छे से इंश्योर कराया जाएगा कि राष्ट्रपति जी का जो विजिट है। राष्ट्रपति जी 2 दिन के लिए इनका यहाँ पे प्रवास है, और उससे संबंधित सारी जानकारी है वो आपको भविष्य में और ज़्यादा अवगत कराया जाएगा। यहाँ हर प्रकार की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, रूफटॉप ड्यूटी है, स्ट्रीट ड्यूटी है, सीसीटीवी कैमरा शहर के चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं, इससे सारी चाक चौबंद सुरक्षा रहेगी। बिल्कुल ड्रोन से कैमरे से भी निगरानी रहेगी, और ऑलरेडी हम उसका परीक्षण कर चुके हैं और लगातार ड्रोन कैमरे से नजर गड़ाए हुए हैं। यूपीएससी में 54वां रैंक लाने वाले सहजनवा के अर्पित गुप्ता ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से कलेक्ट्रेट ऑफिस में मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कैंडिडेट अर्पित गुप्ता को मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और बधाई दी, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि पूरा जनपद अर्पित गुप्ता व सदर तहसील के लेखपाल केदारनाथ शुक्ला पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने पूरे देश में गोरखपुर जिले का नाम रोशन किया है, जो कि सभी नौजवान छात्र व छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और यह दर्शाता है कि मेहनत, लगन से अगर पढ़ाई की जाए तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, दोनों लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ,
वहीं इस संबंध में यूपीएससी परीक्षा में 54वां रैंक लाने वाले अर्पित गुप्ता ने कहा कि मैंने घर पर रहकर ही तैयारी की थी। इसके पहले सितंबर 2019 में पहला एग्जाम दिया था, या मेरा दूसरा एग्जाम था जिसमें सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि समाज की असमानताएं हैं उसको कम किया जाए, जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उसको जमीनी स्तर पर पहुँचाने का काम किया जाएगा। मेरे नए अभ्यर्थियों से अपील है कि बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें, ज़्यादा स्टडी मटेरियल पर ध्यान ना दें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद तथा यूपीएससी में 54वां रैंक लाने वाले अर्पित गुप्ता ने कहा। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका? गोरखपुर में स्कूलिंग सर गोरखपुर से हुई और प्रिपरेशन भी सहजमा से की। सर 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 फोटो बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे मान तो क्या मेरा नाम अर्पित गुप्ता है और मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र पाल गुप्ता है। मेरा 54वां रैंक है। कैसी परीक्षा में 54वां रैंक लाया? जिले का नाम बताया, डीएम साहब से मिला था, किस तरह की आपकी तैयारियाँ थी, क्या कहना चाहते हैं? मैंने यहीं घर से ही तैयारी की है और मैंने सितंबर 2019 में तैयारी शुरू करी थी और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। और मैं अब देखता हूँ आगे जो है, मैंने दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करने का सोचा है, जिसमें से पहली प्राथमिकता है जो समाज में असमानताएं हैं गरीब और अमीर के बीच में, उसे कम करने की कोशिश करूँगा। जितनी भी जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा जो है, मुझे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा वो तरीका है जिससे हर आदमी को एक ऊँचाई पर पहुँचाया जा सकता है। क्या क्या आपने पढ़ाई? मैंने क्लास 10th और 12th यहीं पे जीए नेशनल पब्लिक स्कूल से करी है। इसके बाद मैंने IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी है। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहें जो अभी तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मार्केट में हैं पढ़ाई की, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना होकर के अपनी जो बेसिक किताबें हैं उस पर फोकस करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन ज़्यादा बार रिवाइज करें ताकि चीज़ें याद हो जाएँ और हमेशा निरंतर बने रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे इस एग्ज़ाम में। मैं पूरे जनपद की ओर से गौरवान्वित महसूस करते हुए, हर्ष महसूस करते हुए बधाई देता हूँ श्री अर्पित गुप्ता जी को, जिन्होंने बहुत प्रतिष्ठित हमारी UPSC परीक्षा में 54वें रैंक प्राप्त किया है, जो हम सभी यहाँ के जनपद के सभी नौजवान छात्राओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और ये दर्शाता है कि मेहनत लगन से अगर पढ़ाई की जाए तो किस उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद हमारे नौजवानों के लिए अवसर उपलब्ध हैं, संभावनाएं अपार हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हीं से, उनके इस अचीवमेंट से प्रेरणा लेते हुए सभी लोग आगे बढ़ें, क्योंकि पूरे गोरखपुर का भविष्य, प्रदेश का भविष्य आपके हुनर और आपके मेहनत पे कायम रहेगा। मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारी एक साथी जो लेखपाल पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की और संघर्ष किया, और उसका परिणाम है कि आज इतनी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और जनपद का नाम और हमारे पूरे संवर्ग का नाम उन्होंने रोशन किया है। मैं उनको तहे दिल से बहुत बधाई देता हूँ, उनके परिवार को, उन्होंने जितने लोगों ने उनके इस बड़े कीर्तिमान के लिए योगदान दिया उन सबको मैं नमन करता हूँ। और ये हम सब के लिए एक प्रेरणा की कहानी है और इसको हम चाहेंगे कि सभी महानुभावों का हम लोग बहुत सम्मान करें, जनपद की ओर से उनका अभिवादन करें और उनको एक नज़ीर बन के पेश करें पूरे समाज के और विशेषकर हमारे नौजवान छात्र छात्राओं के। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 4 जून को जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, चारों कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम, सभी व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद। पांच पशु तस्करों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 गौवंश, 1 बिना नंबर प्लेट की पिकअप गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 150 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। SP सिटी ने किया खुलासा।
लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर धौस जमाने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर 24 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। उरुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मरशा में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा चौपाल में अधिकतर मामले भूमि विवाद व विकास से आए संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। जून को डॉक्टर को असलाह सटाकर लूट करने वाले फरार चल रहे तीसरे अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 2,270 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। नगर निगम के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्यों को शुरू करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व सैनिक बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चार जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद में दौरे को लेकर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नौकायन का किया निरीक्षण। कहा शाम के समय में राष्ट्रपति नौकायन पर देखेंगे साउंड एंड लाइट शो। सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है कड़ा इंतजाम। और यूपीएससी परीक्षा में 54वां रैंक लाने वाले सहजनवा के अर्पित गुप्ता ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से की मुलाकात। जिलाधिकारी ने मिठाई खिलाकर अर्पित गुप्ता व लेखपाल केदारनाथ शुक्ला को दी बधाई व शुभकामना। दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।